ओके, सो मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज हेयर. तो क्वेश्चन आया है, यानी कि आता है कि अगर सपोज वाइफ है, जो वाइफ की अडल्ट्री प्रूफ हो जाए, अगर हस्बैंड को पता चलता है कि जो वाइफ है वो अडल्ट्री में है, ठीक है, वो डाइवोर्स डालता है और वो प्रूफ भी कर देता है कि वाइफ है जो वो अडल्ट्री में है. तो अब वाइफ का क्वेश्चन है कि अगर प्रूफ हो जाता है कि हम अडल्ट्री में है, तो क्या हम मेंटेनेंस क्लेम कर पाएंगे या नहीं? तो आंसर इज जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो मेंटेनेंस को रिजेक्ट कराने का जो एक ग्राउंड है ना, वो यही है. ओके, अगर अडल्ट्री में पाती है वाइफ, तो वो मेंटेनेंस एंटाइटल नहीं है, मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हस्बैंड से. ओके, फिर अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ. सपोज क्या हुआ, हस्बैंड को पता चला कि जो वाइफ है वो अडल्ट्री में है, हस्बैंड ने केस किया डाइवोर्स का, ठीक है, केस किया. अब क्या होता है, हस्बैंड की जो पार्टी होती है वो प्रूफ कर देती है, ठीक है, कैसे भी साम दाम दंड भेद के भेद लगा के, आप एक बार मान लो कि प्रूफ हो गया कि जो वाइफ है वो अडल्ट्री में है. ओके, तो हस्बैंड को क्या वो मिलेगा, एक तो वो डाइवोर्स ले सकता है इस ग्राउंड पे, ठीक है, डाइवोर्स हो गया. और अब क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज डाइवोर्स हो गया, तो वाइफ है जो अडल्ट्री प्रूफ होने के बाद भी मेंटेनेंस ले सकती है, जैसे कि नॉर्मल केसेस में होता था कि अगर डाइवोर्स हो जाता है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ठीक है. तो देखो, इस केस में नहीं ले सकते, क्यों, आपकी अडल्ट्री प्रूफ हो गई है और मेंटेनेंस को रिजेक्ट कराने का एक ग्राउंड ये भी है, अडल्ट्री. ओके, ये सबसे बेस्ट ग्राउंड ये कि अगर ये प्रूफ हो जाता है तो वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है. सो आई होप इट इज़ क्लियर. तो कुछ लोग क्या करते हैं, यानी कि कुछ वुमेन होती हैं या फिर कुछ लोग होते हैं, तो ना वो वीडियोज़ पे जाके कमेंट करते हैं कि ये लॉ ऐसा है, ये ऐसा है. नहीं, लॉ के बारे में नहीं, वो हमें बोलते हैं, ठीक है, कि भाई तुम एडवोकेट हो, तुम मतलब तुमने धंधा बनाया हुआ है, ये है वो है, ठीक है. तो देखो यार, अगर पता है, हम ना मेडिएटर हैं, हम बस आपको लॉ बताते हैं कि ये लॉ है, ये वो है, ठीक है. और हम कोई अपने घर से तो लॉ बनाते नहीं है कि भाई आज मन में आ रहा है तो आज वाइफ को लपेट देते हैं, आज हस्बैंड को ऐसे कर देते हैं, उसके खिलाफ कानून बनाते हैं, ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको ज़्यादा ही खुजली हो रही है ना, तो आप पार्लियामेंट में जाओ, उनसे कहो, MPs को बोलो कि भाई ऐसा लॉ पास ना करो, ये ना करो, वो ना करो, ठीक है, वहाँ जाके लड़ो. तो एडवोकेट का कोई रोल नहीं है, बस वो एक मेडिएटर है, ठीक है, वो आपको बता रहा है जो कानून है, वो आपको बता रहा है, ठीक है. जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज होती है ना, जो भरी इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, वो जो लोगों को समझ में नहीं आती है, तो हम बस उसको मेडिएट करके आपको बता रहे हैं, ठीक है.